कहना चाहेंगे कि लोगों ने जो प्यार दर्शाया है हमारी फिल्म के प्रति ये ट्रेलर देख करके, उनको ये कहना चाहेंगे कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। बस यही कहना चाहूँगा कि इस दिवाली में भी ऐसा ही कुछ हो कि ये दिवाली ऐसा जोश और इस किस्म की उम्मीद ले आए मेरे लिए, जिससे मैं हमेशा के लिए आई लुक फॉरवर्ड टू लाइफ एंड एट द सेम टाइम बी हैप्पी विद इट। दिवाली बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे हिंदुस्तान में, और दिवाली के साथ में बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी होती हैं, लेकिन मुंबई शहर की दिवाली अलग होती है। सब लोग पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में रहते हैं और ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं होता है हम लोगों का, क्योंकि उस दिन जो है एक पूरी सुबह से शाम तक अपनी काफ़ी व्यस्तता रहती है हम लोगों की, खास करके लोगों का आना जाना और पूजा पाठ में। नहीं, हम गाँव में दिवाली ज़्यादा मनाते थे, और गाँव में जो है करीब 600-700 दिए जलाने पड़ते थे, तो सारे बच्चों को दिए जलाने के लिए लगा दिया जाता था। तो एक वो उस तरह की दिवाली शहर में नहीं मनाई जा सकती है। गांव की दिवाली अलग होती है, शहर की दिवाली अलग होती है। अब सारे के सारे दर्शकों को मनोज वाजपेयी की तरफ से दिवाली की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। कोशिश कीजिए कि पटाखे छोड़ना बंद कीजिए। नहीं नहीं, दिवाली मैं खास करके आनंद पंडित जी को बहुत मुबारक देना चाहता हूँ, फिल्म प्रोडक्शन में आ गए हैं, भगवान करे इस दिवाली से उनका सब अच्छा चले, अच्छी फिल्में बनाएं, और आप सबों को, देशवासियों को दिवाली मुबारक हो और देश में टॉलरेंस बढ़े। सटली बट प्रिपेयरिंग फॉर द फिल्म, सो दैट्स व्हाई इतना सेलिब्रेशन नहीं है, लेकिन सोचा है कि दिए जलाएंगे, हैप्पी लाइफ, दैट्स इट, नो फटाकड़ास, नो क्रैकर्स। जनरली माई हाउस इज ऑलवेज डेक्ड अप, ऑलवेज ब्यूटिफुली लिट अप, आई कॉल फ्रेंड्स, ताशवाश हमेशा होती है हमारे यहाँ, पर इस साल वो नहीं होगी, इट्स जस्ट नाइसली डेकोरेटेड प्लेस, दैट्स इट। हैप्पी एंड सेफ दिवाली, एन्जॉय योर सेल्फ विथ लाइट्स एंड नो क्रैकर्स, हैप्पी दिवाली, थैंक यू।